और मेरठ कहाँ जा रहे हैं आपको पता चलेगा रास्ते में। वेट कीजिए, देखते रहिए कहाँ जा रहा हूँ। मैं घर पे आ गया हूँ माशाल्लाह भाई, देखो ऊपर देख रहे हो, मुझे तो सबसे अच्छा लगा। चेहरा अभी नहीं दिखाएंगे मैं कहाँ पर हूँ, आप लोग अंदाज़ा लगाना कि मैं किस जगह आया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। झलक दिखाने से पहले ये देखो अभी रिवील नहीं होगा अभी रिवील नहीं होगा दोस्तों। रात को चला गया मैं अनीस भाई के घर पे रहने के लिए, क्योंकि अपन ने जो होटल बुक किया था उसमें पार्किंग ही नहीं था, और मुझे वीडियो शूट करना था, आपको पता है न्यूज़ वाला, इस वजह से अनीस भाई के यहाँ रह गया रात में। वो वाह ज़बरदस्ती ले गए, रात भर रहा, थोड़ा दोपहर का काम था दिल्ली में कर लिया, इसके बाद खा पी के रेस्ट करके सो के, और अभी शाम का बज रहा है यहाँ पर 4। निकल रहा हूँ मैं मेरठ के लिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल अपने गाड़ी में तेल नहीं है, 555 पे रिजर्व लगा है गाड़ी का, अभी टंकी फुल कराते हैं, देखते हैं कितना तेल आता है। और अभी का जो डेस्टिनेशन है, हम निकलेंगे सीधा मेरठ, और मेरठ कहाँ जा रहे हैं आपको पता चलेगा रास्ते में। वेट कीजिए, देखते रहिए कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो दिल्ली के रास्ते, ये फ्लाईओवर नहीं था जब मैं यहाँ पे था लगभग 2 साल पहले, तो उस टाइम पे ये फ्लाईओवर बन रहा था और हमेशा जाम लगा रहता है यहाँ पे, जब देखो हमेशा जाम ही जाम रहता है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है। और अभी देखो भाई फ्लाईओवर बना दिया केजरीवाल ने। मेरठ जो है आपको 62 किलोमीटर दिखा रहा है, वैसे नई दिल्ली जहाँ पर था मैं वहाँ से आपको 78 मतलब 80 किलोमीटर के लगभग है मेरठ। और मेरठ में हमारे बहुत ही ख़ास भाई साहब हैं, पहली बार मिलूंगा मैं उनसे, और आप लोग उनको जानते हो पहचानते हो। चलो भैया चलते हैं, लगाओ मेरठ। तो भाई तेल ले लिया हमने यहाँ पे 1571 रुपये का तेल आया गाड़ी में फुल टैंक, और अब अपनी गाड़ी फुल रेडी है, चलते हैं नॉन स्टॉप, अब सीधा मेरठ पे रुकेंगे, देखते हैं कौन सा रूट देता है। सुनने में आया कि मेरठ का नया हाईवे जो बना है उस पर बाइक नहीं जाने देते हैं, बाइक वाले को एंट्री नहीं है, बट देखते ही जाके कि क्या होता है। या तो हमें लगता है नीचे से जाना होगा, जो जनरल नोट था रोड था पहले वाला, अगर हाईवे से जाने देगा तो जल्दी पहुँच जाएंगे, है कि नहीं, हाईवे से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। भाई दिल्ली की ट्रैफिक बड़ी हार्ड है, दिमाग ख़राब हो जाता भाई, इतने सिरे में मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि ऊपर गर्मी तो लगी रही है, ऊपर से हर 10 मिनट पे एक रेड लाइट आ जाता है, और लंबा सा ट्रैफिक लगा हुआ, शाम का टाइम है तो यहाँ पे ऐसे ही होने वाला है। चलो भाई चलो चलो, गाड़ी चलेगा तभी हवा लगेगा, ऐसे तो हवा लगेगा नहीं। तो ये रही दिल्ली, मुस्कुराइए आप दिल्ली में हैं, लेकिन हम तो दिल्ली से जा रहे हैं भाई तो हम पहुंच गए कहाँ, उत्तर प्रदेश सीमा, लो हम गाज़ियाबाद में पहुंच गए, यूपी में इंटर हो चुके हैं, वेलकम यूपी। एक तो कोई भी किधर से भी गाड़ी लेके आ जाता है, देखो ये कहाँ से लेके आया है पता ही नहीं होता, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेके बस गाड़ी निकल जाओ लेके बस। रात तो हो गई, इतना ट्रैफिक था भाई क्या करें, बहुत ट्रैफिक था यहाँ पे। दो रास्ता दिखा रहा है, एक तो हरिद्वार जाने का, दूसरा मेरठ, तो जी मेरठ चलते हैं, मेरठ शहर की ओर, वहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, चलो देखते हैं कौन से लोकेशन से भेजता है। एक्सप्रेसवे से नहीं आया क्योंकि मैं 2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि रास्ता आगे जाके आप जाओगे तो कोई पता नहीं है, बाइक को घुमा दे फिर आपको रिटर्न आना पड़ेगा, इससे बेटर है कि आप इधर से ही चले जाओ, किलोमीटर भी कम है बट टाइम लग सकता है क्योंकि रोड पर काम चल रहा है, तो सही में पूरा मेट्रो का काम चल रहा है भाई। और बस कुछ ही दूर बाकी है, 11 किलोमीटर यहाँ पर से दिखा रहा है मेरठ भारत माला, यहाँ से कहाँ भेज रहा है भाई,
अच्छा यहाँ से इधर भेज रहा है, चलते हैं देखते हैं। मेरठ, अच्छा मेरठ पहुंचने के बाद वहां से 10 किलोमीटर और आगे है, लेकिन पूछना पड़ेगा हमें और आगे कहां पर है, क्या नाम है। फिलहाल पहले मेरठ पहुंचते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। रात का टाइम है, कुछ दिख नहीं रहा, अपनी गाड़ी की लाइट जल रही तभी आपको आगे दिख रहा है, वरना बिना लाइट के तो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। मैं पहली बार जा रहा हूँ मेरठ, मैं आज तक नहीं गया हूँ इससे पहले। हाँ ट्रेन से गया हूँ मेरठ की तरफ, दोबंद गया था, बट मेरठ में कभी नहीं गया, मुजफ्फरनगर भी कभी नहीं गया। इस रूट पे मेरा पहला बार जाना है एज ए बाइकर। टैक्सी ड्राइवर के बात बोलोगे तो मैं लेके गया हूँ पैसेंजर लोगों को, बाकी चलते हैं देख रहे हैं। भाई देख लो, शायद आपका आसपास में घर होगा इधर इलाके में जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, मेरठ से 10 किलोमीटर पीछे। और रात का टाइम है, मैं क्या स्टोरी डालूँ, क्योंकि मुझे दिल्ली में ही लेट हो गया था इस वजह से, और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि घर पे भी जल्दी पहुँचना है। तो भाई साहब रात के बज रहे हैं 9, और मैंने कहा था कि आपको मैं ऐसे जगह पे जा रहा हूँ जो गल्फ, खास के सऊदी के बहुत बड़े फेमस टिक टॉक कर हैं। तो अब आप समझो कि मैं मेरठ में था, मेरठ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पता नहीं कितना था, मैं ये शेयर नहीं करूँगा। यहाँ आने के बाद फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ। माशाल्लाह भाई देखो ऊपर देख रहे हो, मुझे तो सबसे अच्छा लगा, चेहरा अभी नहीं दिखाएंगे मैं कहाँ पर हूँ, आप लोग अंदाज़ा लगाना कि मैं किस जगह आया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। झलक दिखाने से पहले ये देखो अभी रिवील नहीं होगा अभी रिवील नहीं होगा, बताते हैं हम आए हैं शादाब भाई के यहाँ, मिल लेते हैं क्योंकि इस वीडियो को अभी एंड करेंगे, इसके लिए फिर भी शादाब भाई अस्सलाम वालेकुम। तो आईफोन से ही मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। जबरदस्त आदमी है जावेद भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। भाई भाईजान को एक बार कॉल किया, कॉन्टेक्ट हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में बाद में शेयर करेंगे, बट मज़ा आ गया। घर पे आके बैठा हूँ और इधर देखो इतना सारा नाश्ता लगा दिए भाईजान ने, क्या बात इतना सारा देखो भाई, सऊदी का नाश्ता भी इससे आगे फेल है। तो शादाब भाई के हम आ गए, और अब आपको पता है कि वीडियो कौन सी आने वाली है नेक्स्ट, तो हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, तो घर से निकला था, दिल्ली गया, दिल्ली में जो भी काम था वो करके यहाँ आ गया, सीधा शादाब जकाती भाई के यहाँ पे। वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ एक कमेंट शादाब भाई के लिए, और आप बता कौन सा वीडियो बनवाऊँ इनसे, इनके साथ कौन सा वीडियो बनाऊँ जो आप लोग पसंद करेंगे। और भाई बाइक चला करके मैं इतनी दूर आया था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मा सलामा, मा सलामा। सारा पब्लिक को बोलो कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप, ठीक हो, ठीक है, ठीक हो